वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो वेलकम बैक ऑन यूपीएससी। और इस बार प्रिंस चार्मिंग के बाद मेरे साथ, क्योंकि 8 PM वाला हिस्ट्री का शो होता है। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और पानी वानी पी के आप लोग आ गए होंगे, उतनी मोहलत दी थी मैंने आप लोगों को तकरीबन 2 से 3 मिनट की। सो नॉट मोर देन दैट, राइट। सो जरा एक बार देख लेता हूँ मैं पहले आया कौन है। कॉपी कलम लेके सामने आ जाइए जल्दी से जल्दी। हिस्ट्री वाली कॉपी आनी चाहिए। कॉपी की जो एक परंपरा है दैट इज वेरी फंडामेंटल राइट इन दिस गुरुकुल 2.0, जो पहले दिनों से मैंने आप लोग को बताई है। सो एक बार अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर भी कर दीजिए, इसे जहां जहां आप लोग करते हैं, टेलीग्राम एंड ऑल पे या व्हाट्सएप आपकी जो ग्रुप्स वगैरह हैं। और जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि मुझे नहीं, नॉर्मली मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आते आते आप लोग थक जरूर जाते होंगे। मैंने एक बात लेकिन जरूर कही है कि जहां पे आप थकते हैं वहां पे रुकिएगा मत, खास करके इस पड़ाव में। वेन यू आर लाइक इन द प्रिपरेशन ऑफ समथिंग सो बिग एंड वेन यू आर इन योर यूथफुल स्टेज, क्योंकि 20 से पहले रुकने वाली उम्र ही होती है और 50 के बाद रुकने वाली उम्र ही होती है। सो ये जो जीवन के बीच के 30 साल होते हैं ना गाइस, इसी में आपको फिर थक के रुकना है, थक के उठ रुकना है, फिर उठना है, फिर थकना है, फिर उठना है। सिर्फ ये 30 साल होते हैं। तो यहाँ पे ना थक के मत बैठिएगा, और नहीं मतलब ऐसी कुछ बात अपने सामने लेके आइएगा कि ये तो मेरी आदत है, दिस इज माई हैबिट एंड ऑल। सी आदतें अच्छी हो तब तो कोई बात ही नहीं है, बट आदतों के साथ एक और बात भी तो होती है, इट कैन बी बैड। और आदतों के साथ सबसे अच्छी बात होती है दैट इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर विशेस। यू शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, रादर हैबिट शुड बी योर स्लेव्स, ठीक है ना। आदतें हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम आदतों के गुलाम नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल ये क्लास ऑलरेडी नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ लाइक सम टेक्निकल इशू, जो मैंने आप लोग को इंटीमेट कर दिया था, ठीक है। और आप लोगों का रिस्पांस देख के काफी अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा भाई। प्रिंस चार्मिंग ही जा रहे हैं तो आई जस्ट एक फॉर्मल अड्यू जो गुड बाय होता है वही मैंने विश कर दिया, राइट। तो व्हेन ही लीव्स, ठीक है, मतलब वो दिल के टुकड़े टाइप टाइप फीलिंग होने लगती है, इज लाइक दैट राइट। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, एक बार देख लेते हैं कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, और जो नहीं आया वो मेरा दिल तोड़ेंगे, और जो आगे ठीक है वो मुझे खुश करेंगे, मुझे खुश रखेंगे। एनीवेज, अब मजाक जोक सपाट, चलिए। प्रवीण, राहुल, वरुण, दीप्ति, आदित्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वरुण, फैज बाबू, सफाक बाबू, बहुत बहुत सलाम वालेकुम, राइट। और जस्ट जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, गायत्री, निवेदिता, आदित्य, ठीक है, अभी बहुत कम लोग हैं लेकिन आई होप आ जाएंगे। सौम्या, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये तकलीफ इस समय तक, बट डोंट वरी, ये तकलीफ ही एक बहुत बड़ा कारनामा आपके सामने लेके आएगी, ठीक है, नतीजा लेके आएगी, राइट। और करंट इवेंट वाले सेक्शन को भी, ठीक है, उसमें भी मैं अब आ गया हूँ। तो आज भी हमने एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा देखा था, क्रोमेटोफोबिया, जैसे मैंने शब्द बताए थे आप लोगों को, उससे कैसे इंटरकनेक्ट करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडो पाक आपके दिमाग में और क्या आना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। सो विभाकर, मयंक, आदित्य, पिकी ब्लाइंडर, हाउ इज पिकी ब्लाइंडर, राइट। अंजलि, वरुण, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। शुभम बाबू, वरुण, अनामिका, निधि नहीं दिख रही है मुझे अभी, शालू, पूजा भी नहीं दिख रही है, ठीक है। देवश्री, हार्दिक, निवेदिता, अभिषेक, मोनू, ये सफाक, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसी हैं। परी, आपके बहुत सारे फूल फिर से मुझे मिले, सो आई विश आई कुड ऑल्सो गिव यू बैक दोज फ्लावर्स, बट कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपके रखता हूँ परी, नाइस, थैंक्स फॉर देम, फ्लावर्स आर रियली ब्यूटीफुल, राइट। एंड अनिल, गायत्री, चलिए, भाग्यश्री, सबको सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग गाइज, जल्दी जल्दी से थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है। So guys, this is me, Abhishek, as your educator and instructor, welcoming you all on this Gurukul 2.0, जहां पे हमने अपनी कहानी अवध से पर करने वाले थे, जो कल नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अचानक से बहुत सारी जो मुगल प्रशासन है वो ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मुगलों के टाइम में आपने देखा होगा तो जो, अगर अकबर का ही नाम ले लें, प्राइमरली अगर सबसे बड़े लोग इंसान का नाम लेना है मुगलों में, तो अकबर का ही नाम ले लें, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, ठीक है, लाइक वो कंसेप्ट था ना, सूबाज वाला, देन परगनाज, सरकार, पढ़ेंगे मीडियबल में, सो 12 सूबों में जो बटा था, तो उन्हीं में से, ठीक है, जो सूबा के जो हेड होते थे एग्जीक्यूटिव, बट वो सूबेदार होते थे, ठीक है। तो सूबा यूज टू बी द प्रोविंसेस, ठीक है। सो जब औरंगजेब के बाद नैया डगमगाने लगी मुगलों की, ठीक है, तो ये जो बहुत सारे सूबाओं के सूबेदार थे,
जो बेसिकली आज के टाइम का कह लीजिए चीफ मिनिस्टर थे, वो इंडिपेंडेंट होते चले गए थे, अपनी स्वायत्तता को पहले देखा, मैंने बताई थी आप लोगों को ये बात कि वो साजिश के अंतर्गत ठीक है आगे बढ़े हैं। जैसे हमने बंगाल की कहानी शुरू की थी तो वहां पे हमने मुर्शीद कुली खान से कहानी शुरू की थी, ठीक है। अब यहां पे हम कहानी अवध की शुरू करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, अलग अलग लोग हैं लेकिन बहुत चाल साजिश डिप्लोमेटिकली इंडिपेंडेंट हुए हैं। रिवॉल्ट इन्होंने मुगलों से नहीं किया है, औरंगजेब के बाद जो 10-8-10 लोग आए हैं टूटे फूटे, ठीक है, फारूक सियार टाइप्स एंड मोहम्मद सारंगीला टाइप्स, ठीक है, अकबर द्वितीय टाइम, ठीक है, ऐसे जो लोग आए हैं, ठीक है, इट एंडेड एट द बहादुर शाह जफर, राइट। सो ऐसे जो लोग आए हैं तो मुगल खत्म नहीं हुए हैं, उसके पैरेलल में ये कहानी चल रही है, ठीक है। सो ये बार बार मैं बताता रहता हूं कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तरफ मुगलों की सत्ता है और एक तरफ ये लोग पनप रहे, और भी बहुत लोग आएंगे अभी, लेकिन ये चीज मैं आप लोग को बताना कभी नहीं भूलता हूं कि एक पढ़ने के समय दूसरा मत भूल जाइएगा। मतलब ये बंगाल अवध निजाम करेंगे तो ऐसा नहीं कि बाकी सब खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या हो रहा है ना, सब कुछ समानांतर चल रहा है। तो सब कुछ समानांतर आपको मैं हमेशा ये रिलेशन बताता रहता हूं, सो दैट एक्चुअली यू कुड एंजॉय हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री समझ पाए बेसिकली, ठीक है। सो यही उसी में से एक राज्य अवध भी था, उसी की कहानी हम आज करने वाले हैं, ये भी स्वतंत्र होता चला गया है, पर ये बात जरूर अपने दिमाग में आपको रखना है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मान लीजिए बैठ के ना एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, ये तीन हुआ था, वो चार हुआ था, उसका सन इसका दिस दैट करने लगेगा ना तो नहीं होने वाला। क्या आपको एक्चुअली अप्रोच करना है वो मैं आपको बताता हूं, बता रहा हूं, और उसे महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू मूव अहेड इन दिस प्रोसेस, that is indispensable because you have to study all so many things that once you actually start moving on the wrong path everything gets misdirected and actually the conclusion which is produced at the end of the day is not going to be so fruitful and like happy. So please thoda sa approach samajhne ki koshish kijiyega ki ya science ho ya fir history ho main kaise approach kar raha hu, theek hai, kin areas pe hit kar raha hu, kin areas ko thoda skip bhi kar raha hu. Abhi to 5-6 classes hui hain, 10-15 क्लासेस, और हाँ गाइस ये कंफ्यूजन, इसे मैसेजेस मैं कुछ पूछता हूं अगर टेलीग्राम पे आप लोगों को तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, ठीक है, बड़ी खुशी होती है, जरूर आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, वही एक्चुअली टेलीग्राम का मतलब भी है। लेकिन ऐसे डाउट्स भी कभी कभी देखने को मिलते हैं कि सर सिलेबस खत्म हो जाएगा, गाइज ये हम पे छोड़िए, ये बात मैं कह रहा हूं, ये हम पे छोड़िए, ठीक है, दैट गुरुकुल 2.0 75 डेज का ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये गारंटी मैं अभी लेता हूं, बट ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सोचना ही आप लोग बंद कीजिए, आप अपना काम कीजिए, खूबसूरत नोट्स बना के जैसे मैं भेज आप लोग दिखाते हैं मुझे, आई फील लाइक सो मतलब ओवरवेल्म्ड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने अपनी जिंदगी में इतने अमेजिंग नोट्स कभी नहीं बनाए थे गाइस इन ड्यूरिंग माई सिविल सर्विसेज पीरियड, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगता है इस डेडिकेशन से 75 डेज अगर हम लोग जुड़े रहे तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी ग्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, राइट गाइस। सो आज की कहानी हमारी अवध की है, दो सेगमेंट्स में आपके साथ लेता हूं, साइंस वाला सेगमेंट मेरा वेडनेसडे और थर्सडे को होता है, ठीक है, और अर्चित सर वाली क्लास बेसिकली सॉरी वेडनेसडे थर्सडे कह रहा हूं, मंडे मेरा होता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे अर्चित सर का होता है, थर्सडे फ्राइडे फिर मेरा होगा, ठीक है। सो मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे मेरे साइंस का क्लास है, सो कल है, सो दिस इज माय नेम, नाम तो आप लोग याद रखते हैं, टेलीग्राम चैनल याद रखिएगा, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कम्युनिकेशन के लिए, दिस इज स्टडी विद अभिषेक, बहुत लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ना शेयर कर दिया कीजिए इन चीजों को, अगर कोई पूछ रहे तो स्टडी विद अभिषेक एंड दिस इज माय एडुकेटर्स कोड, अगर यूज करते हैं आप, ठीक है, तो आपको इसका फायदा, और अनअकैडमी पे कुछ डिस्काउंट का सीजन चल रहा है बड़ा अमेजिंग, ठीक है, जैसे अभी 31 मार्च तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन 2022 के प्रीलिम्स तक एक्सटेंड होता है, सो बड़ी अमेजिंग चीज है, पता नहीं आप लोग इन चीजों को कब महसूस करते हैं, जल्दी कीजिएगा तो फायदा होगा बहुत ज्यादा, देर से कीजिएगा तो थोड़ा टाइम का वेस्ट होता है, थोड़ी एनर्जी की वेस्टेज होती है। तो दिस इज AR01101 मेरा कोड है एडुकेटर्स कोड, यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है गाइस। सो चलिए अपनी कहानी अवध से हम शुरू करते हैं, पहले तो मैप के थ्रू मैं हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करता हूं हिस्ट्री को ताकि वो चीजें आप लोग को दिखती चली जाए, ठीक है, जैसे अवध की बात हो रही है, ठीक है। सो अवध की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले तो अवध क्या है, इज द पार्ट ऑफ द यूपी, इज द पार्ट ऑफ द यूपी विच इज विजिबल टू यू इन द मैप, जो आप यहां पे देख सकते हैं, ये बेसिकली यूपी वाला है, ये यूपी से ऊपर आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये यूपी का हिस्सा हो गया, सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अवध वाला क्षेत्र ये बेसिकली सेंट्रल यूपी कह सकते हैं आप, ये थोड़ा सा
सेंट्रल ईस्ट कह सकते हैं, दिस इज अवध वाला क्षेत्र। और एंशियंट टाइम्स में जब हम 16 महाजनपदों की पढ़ाई करते थे, याद है ना, एंशियंट इंडिया में, हालांकि वो एनसीईआरटी अभी कंप्लीट, वो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा, लेकिन अभी 75 डेज पे फोकस कीजिए, दैट व्हाट आई एम टेलिंग। इसलिए मिडाइवल वाला हिस्सा भी वीकेंड में लेके चले गए हैं कि डाउट्स क्लियर रखिएगा, इस बहुत जरूरी होता है, बिकॉज डाउट्स टेक अ लॉट ऑफ आवर एनर्जी एंड टाइम, राइट, और ये महसूस होता है इन दोनों चीजों के बीच जाने के बाद, राइट। सो सेंट्रल ईस्ट यूपी आप इसे कह सकते हैं, जब हम एंशियंट इंडिया में 16 महाजनपदों की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो उसमें से एक कोसल का भी नाम आता था, अगर आपको याद हो। फाइनली मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सबको खत्म करके और बिहार उस पाटलिपुत्र की धरती पर शासन करता है, दैट इज द फाइनल स्टोरी, क्लाइमेक्स है वो, ठीक है, फाइनल स्टोरी है। लेकिन उसमें एक कोसल होता है, ठीक है, अवंती था, कोसल था, बहुत सारे वज्जी, सो कोसल उसमें एक महाजनपद, वन महाजनपद आउट ऑफ द 16 जिसकी बात हम एंशियंट टाइम में करते हैं, ठीक है, और उसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के समय, छोड़िए वो छोड़िए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कोसल की मतलब इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द महाजनपद ऑफ द एंशियंट इंडिया, ठीक है, जिसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, उसी से वर्ड बेसिकली डिराइव हुआ है, दैट इज नथिंग बट द अवध, राइट गाइस। कमेंट्स में आप लोगों के देखूंगा, लेकिन अभी 15-10 मिनट पढ़ाने के बाद, तब तक आप लोग ना आपसी वार्तालाप में मत लग जाइएगा, क्योंकि मैं जब वो देखता हूं, जैसे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मैंने देखा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं ढूंढ के नाम कल बताऊंगा जरूर, या आज टेलीग्राम में बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, बट वो पूरी टाइम चैट कर रहे थे और एंड में उन्होंने लिखा, जब सेशन कंक्लूड कर रहा था मैं, कि सर मैं कुछ समझ ही नहीं पाया बिकॉज मैं चैट में बिजी रह गया। अब एक तो गलती और ऊपर से कन्फेशन, मतलब समझ में ही नहीं आता है, गुस्साएं या फिर कन्फेशन पे, चलो कह दे कि इट्स ओके। सो गाइस, ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि वो वहां तक पहुंचने में आप लोगों को पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ठीक है। सो अवध का एक इतिहास छोटा सा मैंने ये बताया, 16 महाजनपदों में से एक जिसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी एंशियंट टाइम्स में, और वहीं से वर्ड अवध बेसिकली डिराइव हुआ है। मैप पे आप देखें तो ऑलमोस्ट सेंट्रल या सेंट्रल ईस्ट यूपी वाला क्षेत्र है, और ये उन एक राज्यों में से था जो मुगलों के बाद स्वायत्त ऑटोनोमस स्टेट के रूप में उभरता शुरू हो गया था, जिसमें एक नाम हम पढ़ चुके हैं, मुर्शीद कुली खान वाला, बंगाल वाला, दूसरा नाम ये अयोध्या अवध है जिसकी कहानी हम शुरू करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, बहुत टाइम नहीं दे रहा मैं स्क्रीनशॉट के लिए। 1, 2, 3 ये गाना सुना है आप लोगों ने, 1, 2, 3 रिकी मार्टिन, लैटिन पॉप, राइट, यूज टू बी वेरी, यूज टू लिसन ऑल दिस थिंग्स, मतलब व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक तो थोड़ी डाइवर्सिटी में एंजॉय करता हूँ, ठीक है, बीट लैटिन बीट, इंडियन फोक बीट, बॉलीवुड बीट, ओल्ड बीट, न्यू, व्हाटएवर, ठीक है, डाइवर्सिटी थोड़ी होनी चाहिए, बीट गजल्स, ठीक है। So, un, dos, tres is that Latin word, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un, dos, tres, ठीक है। So, anyways, that was Ricky Martin, कभी सुनिएगा, amazing song, ठीक है। So, Awadh was one of the successor states, ये कहानी हो गई, स्क्रीनशॉट लिया आपने, आगे बढ़िए। सादात खान से कहानी गाइस शुरू होती है, सादात खान से, एक पर्शियन ओरिजिन के ये व्यक्ति थे। पर्शिया मतलब, अगर मैं आप लोगों को मैथ मैंने जरूर दिया होगा, क्योंकि भैया मैथ की मेरी हिस्ट्री होती नहीं है, ठीक है। सो यस, देखिए, ये पर्शिया वाला क्षेत्र, खुरासन, अगर तुगलक के समय की कहानी याद हो, खुरासन एक्सपीडिशन, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं ना, जाए तुगलक मत बन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पर्शिया वाला क्षेत्र हो जाता है, मतलब ये देख रहे हैं, ये तो खुरासन वाला क्षेत्र है, ईरान कैस्पियन सी के नीचे, मतलब आज की तारीख में जो इराक ईरान वाला क्षेत्र है, इराक ईरान वाला, दिस रीजन इज बेसिकली द पर्शियन एम्पायर का क्षेत्र था, ठीक है। सो आप जानते हैं कि भाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कैलिप्स, खलीफों के समय से ही भारत और इन क्षेत्रों के, और खलीफाओं के समय ये सारा क्षेत्र, पर्शियंस तो बाद में आने लगे थे ना, ठीक है। सो अफारसिद डायनेस्टी के रूप में पढ़ाऊंगा मैं मीडियवल में आप लोगों को, ठीक है। सो पर्शियाई बाद में हावी होते चले गए थे खलीफाओं पे, ठीक है, लेकिन संबंध हमारे उसी समय से थे। सो बहुत लोग इधर आ चुके थे, इंडियन डेमोग्राफी में बहुत सारे इस्लामिक लोग ऑलरेडी यहाँ पे अब आ चुके हैं, जब ये हम कहानी कर रहे हैं तो। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन मीडियवल इंडिया है, मीडियवल इंडिया के भी शुरू में मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि एंशियंट टाइम्स में भी उन क्षेत्रों से हमारे अच्छे संबंध थे, वो भी हम पढ़ेंगे, और हल्का समय एक हिंट्स के रूप में आपको देना चाह रहा था। सो वी हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द इस्लामिक पीपल ऑन आवर सॉइल,
तो ये भी पर्शियन ओरिजिन के ही थे। पर्शिया का कहने का मतलब एक अपारशीद वंश का नाम लिया जाता है। मैं मीडिएवल में आप लोग को बताऊंगा और मैं भी मॉडर्न के बाद में पहले मीडिएवल ही शुरू करूंगा, बिकॉज मीडिएवल से भी पिछले 2-3 सालों से लगातार 4-5 क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, तो ये परंपरा भी भूल जाना है आप लोगों को कि मीडिएवल नहीं पूछा जा रहा है यूपीएससी में अब, ठीक है। तो इन गलत फहमियों से दूर होके ही एग्जाम का फॉर्म भर दिया होगा तो एग्जाम में बैठिएगा। सो इज फाउंडर ऑफ द वन ऑफ द नाम क्या है भाई? देखिए बहुत सारे नाम इसमें आपको नहीं याद, अभी का अभी याद हो जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने कहा है बंगाल में सब सारा नाम उसी समय याद आ गया, मीर जाफर क्या, मीर कासिम क्या, मुर्शीद कुली खान, ठीक है, सब नाम यहीं पे याद हो जाएगा। मतलब 12-13 नाम है लेकिन उसको ब्रीफ करके मैंने मुश्किल से 5-6 नामों में लेके मैं आ चुका हूं, उससे ज्यादा आपको रटना ही नहीं है। नोट्स में बस मेंशन कर लीजिएगा, देखिए मैं बताता हूं। सो फाउंडर ग्रुप में अवध को सादात खान के रूप में याद कीजिएगा, अवध को स्वायत्त रियासत का संस्थापक, अवध के स्वायत्त रियासत का संस्थापक इन्हें माना जाता है। किसके बेटे थे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन नोट्स में लिख लीजिएगा मोहम्मद नासिर, मर्चेंट ऑफ खुरासान, ये जरूर है, ये देख मुझे दिखाना है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खुरासान क्योंकि तुगलक के समय भी ना, वो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक द वाइजेस्ट फूल, ठीक है, उसके समय भी कुराचिल और दिस खुरासान एक्सपीडिशन, ये दो उसके फेलियर एक्सपीडिशन में से गिने जाते हैं। फिर उसने और भी कांड किए हैं, राजधानी बदलना, सिक्के वाली कहानी पढ़ेंगे हम। सो कुराचिल और खुरासान, खुरासान बेसिकली जो खुरासान है ये ईरान का ही हिस्सा है, देखिए आप यहां पे देखिए ये, ठीक है ना। तो वही कहते हैं, मतलब यही मैंने बोला आपको कि सादात खान कौन है, तो ये भारतीय नस्ल के तो है नहीं, पर्शियाई नस्ल के हैं, दैट व्हाट एक्चुअली इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, राइट। तो पिता का नाम मोहम्मद नासिर, खुरासान के एक व्यापारी थे और उन्हीं के पुत्र थे सादात अली खान, जिनको अवध का आपको फाउंडर मानना है, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, राइट। खुरासान ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिता का नाम आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा, दैट इज मोहम्मद नासिर। आगे अगर बढ़े असफ जाह, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है असफ जाह, जो मैं इंपॉर्टेंट कह दूंगा उसे अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। असफ जाह अपने आप को इन्होंने नाम दिया, ठीक है, और मुगलों में अब ये मोहम्मद शाह का नाम कौन नहीं जानता है, इन्होंने भी इनको एक पदवी दी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जो ऑटोनोमस स्टेट्स ग्रो हो रहे थे ना गाइस, इन्होंने जो शुरुआती लोग थे अच्छे लोग थे, मुर्शीद कुली खान की बात हुई थी तो भी मैंने बताया था अच्छे लोग थे, बाद में फितरतें बदलती गई, ठीक है, और अय्यासी बढ़ती गई, नवाबी बढ़ती गई, लेकिन शुरू वाले लोग अच्छे थे, ही वाज आल्सो अ गुड पर्सन, और उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली कहानी को आगे बढ़ाई है, ये नहीं कहा है कि भाई हम नहीं जानते हैं तुमको, तुम जाओ अपने घर हम अपने घर, ऐसी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। स्लोली कि मुगलों से कभी भी अपने आप को दूर नहीं करना है, और एक तरीके से स्लोली अपनी ऑटोनोमस कैपेसिटी को एक्सप्रेस भी करते जाना है और टाइम आने पे स्प्लिट हो जाना है, तो ये कहानी यहां भी लागू होती है। सो ये देखिए खुशी का इजहार ही तो है कि जो रंगीला साहब थे मोहम्मद शाह अगर आपको याद हो, ठीक है, तो इन्होंने इनको पदवी दी थी, दैट वाज बुरहान उल मुल्क, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दिया, देखिए फाउंडर कोई भी हो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में यहाँ पे 2-3 नाम ही आएंगे, मैंने कट शॉर्ट कर दिया है, काफी कंपाइल कर दिया है, इससे ज्यादा अवध को नहीं पढ़ना है आपको। अगर कभी क्वेश्चन आ गया इसके अलग जो मैं बता रहा हूं इन चीजों में, तो उसे अपनी बहुत बुरी किस्मत समझिएगा, उसके लिए जिद नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। तो बुरहान उल मुल्क इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, सॉरी असफ जाह इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया, और रंगीला साहब ने इन्हें टाइटल दिया बुरहान उल मुल्क, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़िए। वही फिर बनाए गए गवर्नर, कहानी वैसी है ना, ठीक है, गवर्नर बना दिए गए, मतलब वो अलग अब तो अपने आप को अलग तो कर नहीं रहे, स्लोली नजराना भी पेश करेंगे और धीरे धीरे ना अलग भी होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति कहते हैं, बना दिए गए गवर्नर, सूबेदार मैं बता चुका हूं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड जो आज की तारीख में लगभग मुख्यमंत्री का जो पद है, तो बना दिए गए सूबेदार कहां के, अवध। अवध के साथ गई जो ये 16 महाजनपद वाली मैंने बात शुरू में कही है ना, उसे भूलिएगा मत, और ये सादात खान है ना, इनका नस्ल जो पर्शियाई थे, ये बात मत भूलिएगा। फिर वो पर्शिया कहां है लोकेटेड वो मैंने आपको दिखाया, फिर खुरासान शब्द भी याद रखिएगा, ये उन शब्दों पे इसलिए मैं हाईलाइट करता हूं कि ये सब हिस्ट्री में रिपीट होंगे, जैसे यही में मैंने आपको बताया खुरासान एक्सपेडिशन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में रिपीट होता है और भी रिपीट होगा, तो एक बार खुरासान आपको क्लैरिटी है ना, कहीं भी आया अच्छा अच्छा वो ईरान वाला क्षेत्र था, ठीक है। पश्तून एक शब्द आएगा, रोहिलाज एक शब्द आएंगे, ये वो शब्द है जिसमें आप तबाह रहते हैं जहां भी आ जाए, तो इन शब्दों पे मैं क्लैरिटी, इसलिए मैं मैप के थ्रू उन चीजों को दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, तो देखने से चीजें याद हो जाती है। तो अवध के गवर्नर बन गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है।
वही बात है, बंगाल की तरह उन्होंने भी कभी भी मुगल साम्राज्य से अपने विघटन की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अवध के राजनीतिक मामलों का संचालन कर रहे थे। कहीं से कोई दिक्कत इस लाइन में है क्या? वही बात जो हम रिपीट कर रहे हैं कि दे टुक द थिंग्स डिप्लोमेटिकली, दे मूव्ड अहेड डिप्लोमेटिकली। अचानक से इन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब अपने आप को अलग नहीं किया, रिवॉल्ट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे, अच्छे नोट्स बनने चाहिए, इंपॉर्टेंट बात वो है, तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बात हम कर चुके हैं, सब कह रहे ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार देख लूं। यस कंद बाबू, मैं पहली बार देख रहा हूं आपको। यस खुशबू, ठीक है। रियली आई कुड नॉट सी यू इन क्लास, आई एम वेरी सॉरी। तौहीद, मुझे लगता हूँ सर फर्स्ट स्लाइड में सिया सेक्ट ऑफ इस्लाम लिखा था, वो एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा अच्छा, अजरा, अभी मैं भूल गया, अगर मैं भूल गया तो मैं जाता हूँ। अजरा, पहले तो सलाम वालेकुम, और मैं जाता हूँ। थैंक्स दैट आई मिस्ड दैट यू एक्चुअली नोटिस्ड इट, वेरी नाइस। जी सर। फातिमा, बहुत एबसेंट लगता है फातिमा, मैंने आपको शायद थोड़ा सा एबसेंट देखा है पहले, ठीक है। इवनिंग में हुआ था क्लास इंडस ट्रीटी पर। सौरभ बाबू, इंडस ट्रीटी पर क्लास नहीं हुई थी, मेरे को इंडस ट्रीटिविटी नहीं समझाना था, वो हमारे प्रिंस चार्मिंग आप लोग को समझा रहे हैं यहाँ की क्लासेस में। जरा जाके देखिएगा कि मैं इंडस ट्रीटी पर क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है। आपके हराइजन को थोड़ा सा उसमें कुछ नए एलिमेंट डालने की कोशिश करता हूं मैं, पॉपुलर टॉपिक्स को ही आपको कैसे विजुअलाइज करना है वो बताने की गाइस कोशिश की जा रही थी, ठीक है। हाँ, सो चलिए मैं बता देता हूँ अर्जा, ये चीज जो है फर्स्ट स्लाइड में छूट गई थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस, वेरी नाइस, अच्छी बात है, इतना ध्यान से अगर आप लोग देख रहे हैं तो खुशी होती है। ये जो मोहम्मद नासिर की बात हुई थी ना गाइस, यहाँ पे जो उनके पिता का नाम था, जो सियाई, जो खुरासन के थे, मतलब पर्शियन क्षेत्र के थे, ही एक्चुअली बिलोंग टू द सिया सेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज आपको ध्यान है, ठीक है, कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, जस्ट लेट मी चेक द कोई कुछ के, मैं वो देखना चाहता हूँ नाम बेसिकली जिन्होंने ये बताया है, लाइक नहीं दिख रहा, शायद बहुत ऊपर चला गया, बट अर्जा वॉज प्रोबेबली द नेम आई गेस। यस, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए ये सिया पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि मीडियवल में बहुत क्लियर। आप जानते हैं कि लाइक 632 एडी में जब प्रॉफेट मोहम्मद, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इनकी डेथ के बाद ये बेसिकली इस्लामिज्म उसके बाद ही स्प्लिट हुआ था दो सेक्ट में। जैसे यहाँ पे नहीं श्वेतांबर दिगंबर की बातें करते हैं जैनिज्म में, ठीक है, बुद्धिज्म में महायान हीनयान की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे था ना सियास, एक तो शिया सेक्ट था, शिया संप्रदाय, और एक सुन्नी, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी कौन हो एक्चुअली, उस पर कुछ विवाद हो गया था, ठीक है। सो प्रॉफेट मोहम्मद एक तरफ उनके दामाद थे सनी लॉ, दैट वॉज अली, ठीक है। सो उनको कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, और एक तरफ इनके आप कह लीजिए बहुत परम मित्र जो इनके साथ हर काम में हर जगह थे, ठीक है, प्रचार प्रसार के दौरान, इनके संघर्ष के दौरान, इनके दुख के दौरान, इनके सुखों के दौरान, किसके? प्रॉफेट मोहम्मद के, दैट वॉज अबू बकर। सो एक मेजोरिटी ऑफ पीपल ने उनको भी सक्सेसर के रूप में एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और ज्यादा बड़ा ग्रुप वो था बेसिकली जिन्होंने अबू बकर को सक्सेसर के रूप में प्रॉफेट मोहम्मद की एक्सेप्ट किया था। सो और एक ग्रुप ने अली को, तो अली को जो उन्होंने उत्तराधिकारी माना था, जो बेसिकली प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, वो ग्रुप बेसिकली सियाज कहलाए थे, और जिन्होंने अबू बकर को माना था उत्तराधिकारी पैगंबर मोहम्मद का, वो सुन्नी कहलाए थे। और आज की तारीख में जो धरती पर मुसलमान है उसका बेसिकली 80-85% और से 90%, मतलब बड़ा इनमें से सेक्ट कौन सा है, तो सुन्नी है। डेफिनेटली सिया जो है वो माइनॉरिटी में है, रफली 15% ऑफ द टोटल मुस्लिम कम्युनिटी ऑन द अर्थ, लाइक ईरान, इसलिए तो एक बहुत बड़ा विवाद रहता है हमेशा, ईरान हुआ, सीरिया हुआ, ये सब कुछ देश है, लेबनान में भी सियास की संख्या ज्यादा है, ठीक है। सो प्राइमरली बाकी जो अरब वगैरह हैं, इराक वगैरह हैं, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, सब सुन्नी है, सुन्नी एक बड़ा ग्रुप है। सो अब मुझे समझ में आ गया होगा, अब ये यस वेरी इंपॉर्टेंट, सादात खान ने आप लोग को ये याद रखना है, पर्शियन तो थे ही बट शिया सेक्ट को ये बिलोंग करते थे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, राइट।
तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। ये सब हो चुका है, ये बातें भी हो चुकी हैं कि भाई बंगाल की तरह ये लोगों ने भी कभी भी मुगलों के खिलाफ अचानक अपनी रुख को व्यक्त नहीं किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, काफी अच्छे माने जाते हैं, अच्छे इन द सेंस की प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी को, जो एक लॉलेसनेस मुगलों के बाद औरंगजेब के बाद भारत में उत्पन्न हो रही थी, उसको काफी ज्यादा व्यवस्थापित करने वाले इंसान माने जाते हैं लड़ी सादात खान। ठीक है, और इन्होंने कोर्ट स्थापित किया, मतलब समझ लीजिए ठीक है कि जो कैपिटल एस्टैब्लिश किया अवध का, वो बेसिकली सादात खान के द्वारा एस्टैब्लिश वो जगह ही थी जो फैजाबाद वाला क्षेत्र था, वही यहाँ पे दिखाया गया है। फैजाबाद वाला क्षेत्र ही जो राजधानी के रूप में इन्होंने एस्टैब्लिश की, अवध की पहली राजधानी, बदलेगी भी, सो ही वाज एस्टैब्लिश बाय द सादात खान। ठीक है, और नया रिवेन्यू सेटलमेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप भूल भी सकते हैं, लेकिन ये राजधानी वाली बात याद रखिएगा और सादात खान का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़िए, इसमें जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, अच्छे लोग थे। मैप पे मैंने यहाँ पे गाइस आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की है कि देख लीजिए, दिस इज योर फैजाबाद वाला एरिया, ये अगर आपका यूपी है ना, ये तो उत्तराखंड हो गया ऊपर। ठीक है, सो ये बेसिकली यूपी है, ये इसके बाद ये बिहार शुरू हो जाता है, ये बिहार है, इधर नेपाल है। ठीक है, ये उत्तराखंड है, ये आपकी यूपी है। सो दिस इज योर फैजाबाद, मतलब ईस्टर्न पार्ट, राजधानी थोड़ा पूरब की तरफ ही थी, अवध वाला क्षेत्र यही जो था पूरा ये वाला। ठीक है, सेंट्रल है ये फैजाबाद के बगल में आपका लखनऊ हो गया, इधर आप आ जाते हैं तो ये आपका दिल्ली हो गया, फिर ये बरेली सहारनपुर वाले एरियाज है, मुरादाबाद वाले एरियाज। तो ये मुरादाबाद बरेली वाला एरियाज, एक बात देखिएगा इसमें, यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, जो ये मुरादाबाद बरेली वाले एरिया है, जो मतलब जो बेसिकली आप कह ले यूपी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, रोहिलाज में वर्ड एक आगे चल के बताऊंगा, रोहिलाज का नाम जब भी आएगा वो बेसिकली उत्तराखंड के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से, रोहिलखंड वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। रोहिलखंड अगर आप लोगों ने सुना कि यूनिवर्सिटी भी है, तो दैट इज बेसिकली दिस मुरादाबाद सहारन वाला एरिया, सहारनपुर वाला एरिया। अगर मैं यही पे क्लियर कर देता हूं, इसे आगे आएगा तो डाउट आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ना बहुत सारे रोहिला खंड, जो नाम है ना रोहिलखंड, दैट इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द वर्ड रोहिला। और ये कौन थे, ये पश्तून थे, पश्तूंस, पश्तून शब्द याद रखना है, पश्तूनी, पश्तून, पश्तून। ठीक है, और ये पश्तून क्या है, इज नथिंग बट एन अफगान ट्राइब, अफगान ट्राइब। सो आज के बाद क्योंकि ध्यान रखिएगा रोहिलाज, ठीक है, ये अवध के नवाब आएंगे ना शुजाउद्दौला साहब बाद में, अवध के नवाब, ये जो क्या कहेंगे आपको, रोहिलाज हो गए या फिर अफगान्स हो गए। ठीक है, उस समय मराठाओं का भी समय है, आपस में भिड़ंतें इनकी होती चली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो है ही। सो ये वर्ड अगर रोहिलाज आए तो आप यूपी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वो मुरादाबाद सहारनपुर वाला क्षेत्र, उधर ही इनकी पॉपुलेशन थी, उधर ही इनकी पॉपुलेशन थी रोहिलाज, और उसी से संबंधित वो नाम है रोहिलखंड वाला। तो रोहिल्स इज टेकन, रोहिलखंड इज एक्चुअली रोहिलाज से ही डिराइव्ड वर्ड है, रोहिलाज भी लिखते हैं कहीं कहीं, रोहिलाज भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और दे बेसिकली वेयर द पश्तून्स, पश्तून वर नथिंग बट द अफगान ट्राइब। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे आएगा भी। सो इन्होंने राजधानी को स्थापित की, वो वाली बात हो गई। ठीक है, काफी जो अराजकता औरंगजेब के बाद के समय में फैल रही थी, उसको इन्होंने व्यवस्थापित किया, फैजाबाद को राजधानी बनाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। और ये जो रोहिलाज मैंने वाली मैंने बात बताई है, उसको नोट्स में बगल में बॉक्स बना के लिखने की जो परंपरा मैंने बताई है, उसका ध्यान रखते हुए नोट्स में लिख लिया जाए। ठीक है, किसानों की स्थिति, उन्होंने अच्छे लोग थे, बार बार मैं कहता आ रहा हूं, शुरू वाले जो लोग थे अच्छे लोग थे, किसानों की स्थिति सुधारने की इन्होंने भी कोशिश की, टैक्स व्यवस्था को काफी रहमदिल बनाया। ठीक है, और जो जमींदारों की प्रथा लोकल लेवल पे, उसे तो आगे चल के अंग्रेज और बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे ना, उसको भी शांत रखना, जनहित के क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इसका स्क्रीनशॉट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सादात अली खान, इनका नाम आ जाइए, बैटल ऑफ करनाल एक याद रखिएगा, बैटल ऑफ करनाल आप जानते भी हैं। ठीक है, नादिर शाह का इन्वेजन, अब नादिर शाह का नाम आया ना तो वह पर्शियन नस्ल का था, देख लीजिए पर्शियन एम्पायर, ये आपका गल्फ कंट्री हो गया, खाड़ी देश, सऊदी अरब, यमन, ओमान, जॉर्डन, ये सब जो आप देखते रहते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, गल्फ कंट्रीज बेसिकली इनको भी कहा जाता है, इराक, ईरान ऊपर है, सो ये आपका इराक हो जाता है, इधर सीरिया है, ये ईरान है। ठीक है, सो दिस इज, ये जो आपको कौन सा कलर कहूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, येलो कह लेते हैं इसे, ग्रीनिश येलो, सो दिस इज बेसिकली योर पर्शियन एम्पायर। ठीक है ना,
वहीं के एक खतरनाक इंसान है नादिर शाह, बैटल ऑफ करनाल याद रखिएगा 1739। क्या पता अपकमिंग पीटी में एक क्वेश्चन हो। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह इन दो लोगों ने भारत के इतिहास को बदला है। तो इन पर क्वेश्चन कितने बार कहां कहां से आए हैं मैं नहीं बता सकता गिन के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बॉक्स बना के अच्छे से इसे अपने नोट्स में कहीं लिख दीजिएगा, बैटल ऑफ करनाल, इट वॉज नन अदर देन बट द नादिर शाह। और इसके बाद ठीक है, मतलब नादिर शाह का आक्रमण था, पैसा लूटने आते थे, करनाल की लड़ाई करते, करनाल इज अ प्लेस इन द हरियाणा, जानते हैं कि भाई नॉर्थ वेस्ट से जितने भी इन्वेजन हुए हैं उसका गेटवे जो रहा है वो हरियाणा रहा है, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, महाभारत की लड़ाई हो, या तीनों पानीपत की लड़ाइयां हो। ठीक है, तीन पानीपत की लड़ाई है, चार पानीपत की लड़ाई है कुरुक्षेत्र हो, महाभारत का, चाहे पानीपत की लड़ाई हो, चाहे करनाल, करनाल इज ऑल्सो इन हरियाणा। तो जरा आज के क्लास के बाद एक सोचिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये यूपीएससी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, सब लोग लिखेंगे साइड में नोट्स के। ठीक है, दैट व्हाई द लैंड ऑफ हरियाणा हैज बीन स्ट्रेटेजिकली द मोस्ट वल्नरेबल रीजन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द वॉर्स एंड बैटल्स, व्हेन इट कम्स टू वॉर्स। अच्छा, किसी ने मेरे से कल पूछा था, मैंने यूट्यूब का कमेंट देख रहा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन आज मैं नाम देखूंगा जाके, मैंने जवाब भी दिया है, ये क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, लिखना नहीं मैं बता दूंगा वॉर और बैटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और आज जो एक असाइनमेंट के रूप में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, हो सकता है आप लोग टेलीग्राम पे इसका आंसर भी मुझे दे सकते हैं, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आप लोग चेक कर लीजिएगा, चार पांच साल पहले नहीं, पिछली साल, पिछली अब लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 मार्कर था। ठीक है, तो लगभग आपको 160-170 शब्दों में लिखना है, वन वर्ड इज इक्वल टू 10 to 12, वन मार्क इज इक्वल, एक नंबर के लिए 10 से 12 शब्द लिखने होते हैं, ये भी बात कहीं लिख दीजिएगा कॉपी में वहीं पे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन ये था कि हरियाणा की भूमि सामरिक दृष्टिकोण से, हिंदी मीडियम में बोल देता हूं मैं, सामरिक दृष्टिकोण से ठीक है, सबसे अधिक सुभेद्य भूमि भारत की क्यों रही है। ठीक है, व्हाई द लैंड ऑफ हरियाणा हैज बीन स्ट्रेटेजिकली द मोस्ट वल्नरेबल रीजन ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू वॉर, ये क्वेश्चन है, 15 मार्कर, मतलब मैक्सिमम आप 160-170 शब्दों में लिखिएगा, और मुझे आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, और अगली क्लास में शुरू में 5 मिनट मैं भी इसका डिस्कशन कर दूंगा, अमेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबने लिख लिया, जरूर लिखा होगा, ये मैं चेक कर लेता हूं कमेंट्स में, आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ थम्स अप। रिपीट क्वेश्चन सर, पर ही मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, शट अप गाइस, रिलीजन को कंपेयर, ये कौन कर रहा है रिलीजन को कंपेयर, एक सेकंड जरा मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, He was belong to Persia. I just want to see the comments. Question लिखा गया या नहीं लिखा गया? बातचीत करने में फंसे रहते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं मैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। लिख लिया, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लैग होता है, तो ये देखिए एक बात यहां पे लिखी हुई है, he died by committing suicide. ये बात ना फाउंडर है, अच्छी अच्छे लोग हैं, बात बहुत कम ही इतने अच्छे लोग आएंगे, इनको ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं। कमिटिंग सुसाइड, देखिए नादिर शाह ने ना तबाह कर दिया था, दो लोग नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों ने तबाह कर दिया है भारत को। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, ये वाज पर्शियन, ये बात हो चुकी है। ठीक है, सो नादिर शाह, सो वो तो मराठाओं को भी धो देगा, और मुगलों को सबसे ज्यादा जो एक्चुअली डिफाई कर रहे थे वो मराठा थे, और मराठा खत्म होते ही एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है, बहुत ह्यूमिलिएट हुए थे, दे वर द पर्सन ऑफ द गुड इंटेलेक्ट एंड लाइक डिग्निटी, सो ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में, ऐसा लिखा जाता है कि हाँ भाई इन्होंने, सादात खान ने सुसाइड कर लिया था, कमिटिंग सुसाइड, लेकिन ये बात थोड़ी सी, थोड़ा सा इस पे विवाद है। एक बात ये भी कही जाती है कि इनके पैर में ट्यूमर था, एक बहुत ज्यादा खतरनाक ट्यूमर जो बहुत पेनफुल होता चला गया था, प्रोबेबली उस समय कौन जानता है कि कैंसर क्या होता है, सो प्रोबेबली इट वाज कैंसरस एंड ही डाउट सडनली डाइड आउट ऑफ दैट पेन। सो लोगों ने ऐसा कह दिया कि भाई उन्होंने सुसाइड कर लिया, मतलब दोनों विवाद है इस बात पे, लेकिन जनरली आप दोनों बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद अवध की रियासत वस्तुतः स्वायत्त हो गई, ऑटोनोमस। ठीक है, मतलब बाद के रूलर्स प्रोक्लेम कर देंगे, ये प्यार मोहब्बत का रिलेशन रख रहे हैं ना मुगलों से, बाद के लोग आएंगे कहेंगे भाई तुम अलग तुम अलग, यही वाली बात हो रही है। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, और ये करनाल का बैटल और नादिर शाह का आक्रमण और ये पर्शिया वाली बात याद रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आएंगे सफदरजंग साहब, ठीक है, तस्वीर इनकी देख लीजिए, इनके सामने है,
मिर्जा मुकीन और या अब्दुल मंसूर खान, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये नाम पूछा गया है अब्दुल मंसूर खान, मंसूर खान से पूछा गया था। सफदरजंग का नाम था, दिल्ली में एक एयरपोर्ट भी इसके नाम से, अगर आप लोगों ने सुना हो, एम्स के नजदीक है सफदरजंग एयरपोर्ट। ही वाज नन अदर देन बट वन ऑफ द नवाब ऑफ दिस लेजेंडरी अवध किंगडम, ठीक है। सो ही वाज द नेफ्यू ऑफ सदात खान। सदात खान जो पिछला फाउंडर हमने नाम देखा, उनके भतीजे थे, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, मंसूर खान भी इनको कहा जाता है, ये गाइस नाम याद रखिएगा, ठीक है। सूबेदार बने कहां का बने, कश्मीर के बनाए गए, मुगल ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मुगल ये काम कर रहे हैं। ये पॉइंट आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सफदरजंग साहब इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज सफदरजंग का नाम अवध रियासतों में लिया जाता है, ठीक है, फॉर नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक दो बातें हैं इंपॉर्टेंट जो इनमें मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट कि भाई सदात खान के भतीजे थे, मुकीम या अब्दुल मंसूर इसका दूसरा नाम था, और ठीक है क्या कहते हैं, इन्हें भी स्लोली मतलब कश्मीर वाले क्षेत्र का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है। बाद में अवध के गवर्नर बने, ठीक है। ये देखिए इन लोग, इन्होंने भी अचानक से मुगलों को भाई बाय बाय नहीं कहा, ठीक है। मुगल सॉरी नादिर शाह को आई नो, उन नादिर शाह के दुख से तो सदात खान जा चुके हैं, ये भी बेचारे लाचार हो चुके हैं। देख लीजिए कितने का ट्रिब्यूट आज की करेंसी में, 20 मिलियन ट्रिब्यूट नजराना या पेशकश के रूप में किसको मिलता था, नादिर शाह को, किसकी तरफ से, सफदरजंग को, भाई अवध को छोड़ दो। ये ध्यान रखिएगा एक बात सफदरजंग के लिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सफदरजंग ने आपको ये मान के चलना है कि भाई नादिर शाह थे ये लोग डर रहे, हाँ जो पैसा ले लो छोड़ दो मेरे को, ठीक है, ऐसी वाली कहानी है, ठीक है। तो इसलिए सफदरजंग इज इंपॉर्टेंट, तीनों ने भी भाई सादिद शाह के नक्शे कदम पे ही कहानी को आगे बढ़ाई थी। अभी भी कंप्लीट ऑटोनोमी, ठीक है, जो अवध कहते हैं वो इंजॉय नहीं कर रहा है, ये बचाने की जुगाड़ टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं। नादिर शाह के सामने घुटने टेक चुके हैं, पैसा ले लो बख्श दो, ऐसी वाली कहानी हो चुकी है गाइस, ठीक है ना। अच्छा, सफदरजंग को क्यों याद रखा जाता है और सफदरजंग पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज द सपोर्ट एंड ट्रस्ट ऑफ द मराठास, मराठास को लोगों ने बहला फुसला लिया था, ठीक है, और मतलब वोन द टेरिटरी ऑफ फरुखाबाद। ये मैप पे अगर देखिए, वही मैं देख रहा हूं ना, इधर ही रोहिलास वगैरह भी रहते थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, रोहिलास वगैरह रहते थे, आएंगे रोहिलास पे भी। तो फरुखाबाद वाला क्षेत्र बेसिकली ये रोहिलास की ही बात की जा रही है, रोहिलास, और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये पश्तून थे, अफगान लोग हैं, ठीक है। सो उन लोगों को बहलाया फुसलाया है, और किसको बहलाया फुसलाया है, मराठास को, मराठास पे तो आएंगे, मराठा तो अपने आप में पूरी एक क्लास है, तकरीबन यही पीरियड तो उनका भी रहा है, ठीक है। अगर रफली मैं कहूं तो 1620 से 1700-1820 मतलब रफली ये पीरियड तकरीबन 200 साल का, ठीक है। सो मराठाओं को बहलाना फुसलाना, और ये फरुखाबाद वाला पठान जो है ना, ठीक है, ये पठान बेसिकली कौन है, रोहिलाज ही है, जिनको मैंने कहा था पश्तून्स, पश्तून्स बेसिकली अफगान ट्राइब्स के नाम है, और वही अफगानियों को पठान भी कहा जाता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे रेफर किसको कहा किया जा रहा है, जब पठान कहा जा रहा है तो बेसिकली इन रोहिलाज के बारे में ही बताया जा रहा है, जिनके लिए एक और शब्द मैंने आपको बताया है पश्तून्स। सो इसलिए सफदरजंग को याद रखना कि बचा लिया इन्होंने, किससे, मराठाओं से भी बचा लिया है, ठीक है, और उन रोहिलाज से भी बचा लिया है, इसलिए सफदरजंग को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। पेशवाओं के साथ मतलब वही मराठाओं वाली बात कही जा रही है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट एक बार देखना जरूरी है, बहलाने का काम जारी है मराठाओं के साथ, पेशवा बेसिकली मराठाओं के साथ इन्होंने संधि की थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बहला, ठीक है, संधि करना, नजराना देना, उनकी बातें मानना बहुत ज्यादा नहीं, मराठाओं में क्या, मराठाओं में, ठीक है, मुगलों के साथ, ठीक है, अपनी संधि मतलब अपना 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 जो सपोर्ट है ना मुगलों के साथ रख के वो रखते चले गए, ठीक है ना। मराठा एक तरीके से एक समय बेसिकली शिवाजी की पोस्ट शिवाजी पीरियड में वो बेसिकली राजधानी पर शासन करने की हैसियत रखते थे, अगर क्षेत्रीय शासकों का उनको साथ मिल जाता तो मुगलों को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो आपसी लड़ाई ही होती चली गई इतनी ज्यादा कि मराठा फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद खत्म हो जाएंगे। सी हियर, अब अवध से मराठाओं को साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अवध तो बेसिकली हो ही जाएंगे ना, ड्राइवैलिटी तो प्रोड्यूस हो ही जाएगी, और ये लोग मुगलों को फुसलाने में क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली आप इंटेंशन याद रखिएगा कौन किसको फुसलाने में लगा हुआ है। अगर मराठाओं के साथ, एक बात सिर्फ आप दिमाग में रखते हैं कि ये मुगलों को फुसलाना चाहते थे, बहलाना चाहते थे, वही
because they actually wanted to, they were gazing at the capital. वो राजधानी पर अपनी नजर टिका के रखे हुए थे. तो उनको बहलाने फुसलाने का, इसमें अवध को इन लोगों ने किसने, मराठाओं ने साइड लाइन कर दिया. तो ऑटोमेटिकली एक राइवलरी किसके बीच में पनपे भी आप सोच सकते हैं. यहां पर याद कैसे रखना है, यहां पर याद ऐसे रखना है कि मराठा गाइज दे वेर ट्रिमेंडसली एम्बिशियस. और ये आप जानते हैं, थोड़ी मोड़ी भी हिस्ट्री किसी को आती हो तो वो ये जानता है कि मराठाओं में यह क्षमता थी कि वो भारत पर शासन कर सकते थे मुगलों को खत्म कर देने के बाद, लेकिन आपसी सहयोग ना मिलने के कारण वो ध्वस्त होते चले गए. ठीक है, सो ये जो पक्ष है वो याद रहेगा आपको कि भाई मराठा मुगल का ही तो साथ साथ नहीं, वो बहलाने वाली साजिश हो रही है. और इसमें अवध को क्या किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है, तो ये सफदरजंग साहब की कहानी होगी. देख लीजिए मराठाओं का क्षेत्र, ये पूरा पीला थोड़ा सा ही तो बचा हुआ है ना. आएंगे मराठाओं पे, बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा. ठीक है, यहां तक कह दिया गया कि भाई मैं तुम्हें सूबेदारी दूंगा अवध का. ठीक है, इलाहाबाद मुगलों द्वारा अवध और इलाहाबाद की सूबेदारी भी किसको, मुगलों को दे दी गई. ठीक है, और फिर भी मतलब आप देख रहे हैं, फिर भी ये जो मराठा है वो साथ में किसके हैं, मुगलों के ही. ठीक है, क्योंकि ये क्या इरादे हैं मैं आपको समझा चुका हूं. सफदरजंग के समय ही कहते हैं कि जो लखनवी कल्चर है ना, जिसके बारे में आज फनी तरीके से कहा जाता है कि वहां पे अगर आप स्टेशन पे जाते हैं तो पहले आप कहने में ही ट्रेन चली जाती है. ठीक है ना, सो मतलब नजाकत है. ठीक है, वहां की संस्कृति में, वहां की वे ऑफ टॉकिंग में, वो जो एक्चुअली नजाकत है इज नथिंग बट द पर्शियन एट्रीब्यूट. और उसका अब आपके पास आंसर है इन द नेम ऑफ सादात खान. ठीक है, जो बेसिकली वॉज एक्चुअली ऑफ द पर्शियन ओरिजिन. ठीक है, कि क्यों लखनऊ में वो लखनवी अदा, वो नजाकत, ठीक है, हमें देखने को मिलती है, वो शायराना अंदाज, वो सुरमई शाम, ठीक है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट. That was just because of this land, this soil has been actually nurtured by the community who used to have this thing as their integral element. मतलब Persian वही Sufism, वही Sufiana अंदाज, तो वही लखनवी अदा. समझ में आ रही है बात. तो सफदरजंग के, ऐसा माना जाता है कि सफदरजंग के समय से ना वो लखनवी अदा शुरू हो गई थी. दो नाम वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे नाम हम दोनों देख चुके हैं, मराठाओं को बहलाना फुसलाना और रोहिलाज वाली बात. तो पहला नाम सादात खान याद रहे, दूसरा नाम आपको कौन आ गया था, सफदरजंग साहब याद रहे, तीसरा नाम भी जरूर याद रखना है, दैट इज सुजाजुद्दौला. ठीक है, सिराजुद्दौला मत पढ़ लीजिएगा इसे. ठीक है, वो बंगाल के थे. तो दिस वाज सुजाजुद्दौला, बहुत सारी बातें नहीं है, सफदरजंग साहब के पुत्र हैं. ठीक है, पुत्र हैं, बस इतना याद रखना है. एक दो बातें और हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसमें टाइम वाइम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ईयर वियर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद रहे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सारी कांड हुए थे. औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुई थी. तो इस तरीके से याद रखिएगा, सुजाजुद्दौला को बस सफदरजंग के बेटे के रूप में याद रखिएगा. और एक आध बातें इनमें और कही जाती है. ठीक है, इनको भी गवर्नर, अब ये मुगल गवर्नर बनाते चले गए ना, मुगल गवर्नर बनाते चले गए और ये लोग धीरे धीरे ऑटोनोमस होते चले जाएंगे. यहाँ पे कौन आ गया, आलमगीर द्वितीय है ना. ये सब छोटे छोटे नाम गाइस जो लिए जाते हैं कि भाई फारूक शियार के बाद रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, देन दैट कम्स दिस आलमगीर टाइप का नाम, फिर दिस अकबर, फिर बहादुर शाह जफर एंड ऑल, छोटे छोटे वो सारे नाम है, बता दूंगा मैं आप लोग को मीडिया के एंड में. सो गवर्नर बनते ये भी चले गए थे, गवर्नर बनते गए बाद में सब ने क्या कहा कि भाई सब कुछ मेरा ही हो गया. ऐसी तो कहानी आगे बढ़ी है. ठीक है, सो और कुछ इसमें इंपेडर बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. शाह सुजा में बस सुजाजुद्दौला में, सिराजुद्दौला से कंफ्यूज मत होइएगा, सुजाजुद्दौला सफदरजंग के पुत्र थे. सो तीन नाम अभी तक बस आए हैं, इससे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. बस एक लाइन स्क्रीनशॉट पीछे अगर आप लोगों ने ले लिया हो कि भाई सफदरजंग साहब के पुत्र थे, उनकी मृत्यु के बाद ये राजगद्दी पर बैठे और मुगलों ने इन्हें भी सूबेदार बना दिया. बस एक लाइन ये लिखिएगा, नथिंग मोर देन दैट. सुजाजुद्दौला में, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात सुजाजुद्दौला में क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा यहां पे. ठीक है, ही बिहेव्ड एज एन इक्वल पार्टनर विद अहमद शाह अब्दाली. आ तो गया ना, खतरनाक नाम. ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली के समय अफगन था ये याद रखिएगा. ठीक है, अफगन था, एंड इन एन अलायंस अगेंस्ट देयर कॉमन ओपोनेंट द मराठास. ठीक है ना, समझ गए ना, ये बताया था ना मैंने आप लोगों को
कि भाई सफदरजंग साहब ने जितना भी बहलाने की फुसलाने की कोशिश की, मराठा साथ किसके रहे, मुगलों के, और मुगल के साथ क्यों रहे ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। इसकी वजह से जो अवध था वो बेसिकली मराठाओं का क्या होता चला गया, जानी दुश्मन, ठीक है। और इसलिए रोहिलाज हो, ठीक है, इसलिए अफगान्स हो, ये सबको एक साथ करके ना मराठाओं से भिड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट, समझिएगा। अब सारी ये रटने की जरूरत ही नहीं है, मैंने वो चीज ही आपको एक्सप्लेन कर दी है कि मराठा के दुश्मन अवध क्यों हो जाएंगे, बिकॉज मराठा हमेशा मुगल की ओर देखते रह जाएंगे, क्योंकि मुझे दिल्ली चाहिए थी, ठीक है, वैसी वाली कहानी है। सो जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पहले एक बार जरा मैं देख लूं सब कहानी ओके है कि नहीं। गाइज मुझे स्ट्रेंथ थोड़ी सी आज कम दिख रही है, पता नहीं क्यों, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, हिस्ट्री में थोड़ा सा मैं देख लूं सब ओके है कि नहीं, एक बार और लोग के बीच बीच में बताते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अब यहीं पे ना आप सोच लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मराठा इसमें लड़ेंगे एक तरफ, कौन होगा, कॉमन सेंस, मराठा आ जाएंगे एक तरफ सबके दुश्मन, ठीक है, और इधर कौन आ जाएगा, अवध के नवाब, दैट इज सुजाजुद्दौला, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है ना ये नाम, सुजाजुद्दौला एक तरफ आ जाएंगे, ये किसको किसको ले लेंगे, अफगान्स को ले लेंगे, ठीक है, और किसको ले लेंगे, रोहिलाज को ले लेंगे जिनके बारे में मैंने बताया था, और किसको ले लेंगे, अंग्रेजों को ले लेंगे, ठीक है। और बेसिकली यही जो पानीपत की लड़ाई होगी उसी को आप क्या कहते हैं, बैटल ऑफ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब हो गया। और उधर से आपका अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा ना, अहमद शाह अब्दाली, ये याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जो हमने पढ़ा है ना भाई उसी से संबंध आप समझ में आ जाएगा। देखिए मैं याद दिला देता हूं, मराठा मुगलों की तरफ रहेंगे क्योंकि इनके ही नजर इस पे है, ध्यान से देखिए, इनकी नजर इस पे है, इनके इरादे हैं भाई दिल्ली पर राज करना, भारत पर राज करना, और वहां तक ये पहुंच गए थे अगर बीच में ऐसी तबाहियां ना होती, ठीक है। इसलिए अवध क्या होगा, अवध हो जाएगा इसका दुश्मन। अब थर्ड, अब यहीं से आप जोड़ लीजिए कि भाई अवध मराठाओं के सामने कमजोर है तो ये मिलजुल के टूटना पड़ चाहेगा मराठा पर। अब अवध जुड़ जाएगा अपने साथ किनको ले लेगा, रोहिलाज को अपने साथ किनको ले लेगा, वही पश्तूंस, अफगान्स, ठीक है, जितने भी अफगान्स होंगे तो दे आर बेसिकली सेम। और उधर से कौन आ जाएगा, अहमद शाह अब्दाली, और ये जो बेसिकली लड़ाई हो जाएगी दैट इज बेसिकली नोन एज द 13th बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी को बेसिकली कहते हैं। और इसमें मराठा बुरी तरीके से तबाह हो जाएंगे और ये तबाही मराठाओं को लगभग खत्म ही कर देगी। दैट इज बेसिकली एक बहुत महत्वाकांक्षी वंश जो डेफिनेटली भारत को मुगलों से, खास करके औरंगजेब के बाद के नाकारा मुगलों से आजाद कराने की हैसियत रखता था और भारत पर अपनी एक क्षेत्रीय शासन व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय शासन व्यवस्था रख स्थापित करने की फितरत रखता था, वो आपसी क्षेत्रीय द्वंद्वों में ही टूट कर रह गया, राइट। सो इसलिए सुजाजुद्दौला को आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और आई होप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई। एक बार जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रटने की जरूरत पड़ेगी या फिर जो ये आज की किताब, आज के बाद ये संबंध ही आपको याद रहेगा, ये एक बार मेरे को बता दीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ सर पूजा, 13th पानीपत की 13वीं लड़ाई, एक बार ना घर में कोई हिस्ट्री पढ़ रहा होगा ना उससे जल्दी जल्दी पूछिएगा, अच्छा बता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अच्छा बता सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अच्छा बता थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये मत पूछिएगा, सीधे पूछिएगा अच्छा तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई छोटा कोई भी जो आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पानीपत की 4th लड़ाई, ठीक है, वो जरूर एक बार नजर उठा, क्या क्या दीदी कह रही हो आप, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो यस पूजा, मैं कैसे यहाँ पे गुड इवनिंग नहीं देखता हूँ यार, मेरे को इतना दुखी मत कीजिए आप, ठीक है, ठीक है, मैं आई एम ए बिगेस्ट फैन पूजा, आई गेस आप पूछिए ग्रुप में ना कि मैं हर दिन अगर आप नहीं दिखती हैं कुछ क्लासेस में आप लेट हो जाती हैं, मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि वेयर इज पूजा, क्योंकि मुझे याद है कि जब से मैं पहली क्लास कर रहा हूँ आपने, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस सेशंस, आप मेरे साथ, आप मेरी क्लासेस को आपने बहुत अप्रिशिएट किया है, सो वो सारी चीजें, ठीक है, डेफिनेटली आप ना जाने कहाँ हैं, कैसी हैं, आई डोंट नो, आप भी नहीं जानती हैं मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जस्ट देख रहे हैं वर्चुअली, आप तो मुझे देख भी सकती हैं, मैं तो वो भी नहीं कर सकता, बट वो कितना बड़ा कैटलिस्ट होता है वो मैं रियलाइज करता हूँ, सो ऐसा मत कहिए, ठीक है। सो थर्ड बैटल ऑफ वाटर हामिद, यस ये देखिए हामिद साहब, थर्ड बैटल ऑफ वाटरपत,
यस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, थर्ड बैटल ऑफ वाटरपथ। तो एक बार मेरे को बता दीजिए, ठीक है, इरादा है दिल्ली लेना, आग आग आग, अवध विद अफगंस रोहिलाज अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। फर्स्ट एंड, अच्छा देखिए सोनल, तो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मुगलों के समय की कहानी है, अकबर की कहानी है, बाबर इब्राहिम लोदी की कहानी है, यहां पे नहीं लाते हैं। अब यहां पे पानीपत की तीनों लड़ाइयां मैं पढ़ाने लगूंगा तो पता चलेगा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाए, बता दूंगा। बट सोनल अभी ध्यान रखिए, फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो बेसिकली मिडिवल इंडिया की कहानी है, मैं बताऊंगा। इसके बाद में मिडिवल ही शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। पवन बाबू याद हो गया सर, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर सर, वेस्ट जितने में हमलावर आए थे वो पंजाब से होकर ही आया था ना। तो मैं हरियाणा पंजाब में बहुत ज्यादा दूरी है क्या? हरियाणा पंजाब अगल बगल के हैं दोनों, बट के ही तो हरियाणा बना है बेसिकली। तो पंजाब नहीं, पंजाब में थोड़ा सा हिस्सा हिमालय का भी आ जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये सब तो चलिए बता ही देता हूं मैं, आप लोग सोचते नहीं है ना, आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री मतलब ना सिर्फ नाम और पता। ठीक है, यही कंसेप्ट तो बदलना चाहता हूं मैंने, तो यूपीएससी तो कभी निकलने से रहा। तो ये हरियाणा वाला हिस्सा, ये पंजाब वाला हिस्सा है, तो यहां से अगर कोई आएगा तो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पंजाब के आधे से ज्यादा हिस्से में ना हिमालय है और हिमालय व्यवधान है, इसलिए वो प्लेन वाले एरिया से एंटर होते थे, और प्लेन वाला एरिया नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सबसे पहला। मैंने आंसर ही बता दिया, दिस इज गलत, नहीं बोलूंगा मैं इसके आगे। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, अब चलिए बोल दिया तो सुन ही लीजिए। ठीक है, हम क्या मतलब आपने इसको कहते हैं हलक में ना हाथ लगा के कुछ जुबान से निकल, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है। तो ये सब लगभग हिमालय तक की कहानी है सब, तो क्यों आएगा कोई इधर से? सो इसके बाद प्लेन जिसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं वो बेसिकली पंजाब से शुरू होता है, हरियाणा से शुरू होता है, तो जो भी घुसता था वो हरियाणा वाले क्षेत्र से घुसता था। एक पॉइंट तो मैंने बता दिया जो मैंने होमवर्क दिया था उसका, ठीक है अब नहीं बोलूंगा, कहानी खत्म। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत गाइस आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आज का टाइम हो भी रहा है, एक दो मिनट थोड़ा सा सुजाजुद्दौला की कहानी में खत्म कर दूं। ठीक है, ये वाली कहानी तो हो गई। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, ये आई होप आप लोगों ने ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक और बात गई जिसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि हियर अलोंग साइड शाह आलम एंड मीर कासिम, देखिए इंपॉर्टेंट है ना, फॉर बैटल ऑफ बक्सर, उसमें भी तो थे ना, बैटल ऑफ बक्सर जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 1764। ठीक है, याद है ना, हेक्टर मुनरो और बैटल ऑफ सॉरी दिस बैटल ऑफ पलासी एंड दिस बैटल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड हेक्टर मुनरो वाली कहानी, बक्सर एंड पलासी, उसमें भी ये बक्सर वाली लड़ाई में भी तो ये थे शाह आलम द्वितीय मुगलों के साथ। ठीक है, कौन? सुजाजुद्दौला। यहाँ पे क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मराठाओं के साथ कौन, मराठाओं की दोस्ती बेसिकली किससे हो गई है? मुगलों से। अब ये मुगलों के साथ वहां भी थे, ठीक है ना, वहां पे तो बेसिकली अंग्रेजों ने सबको धोया था ना, लेकिन थे तो ये मुगलों के साथ, उस समय शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सर में अभी भी ये है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एनिमी कौन है? मराठा है, ये क्लियर है ना। बैटल ऑफ बक्सर में एनिमी कौन था? अंग्रेज थे, उधर भी मुगल और फिर ये सुजाजुद्दौला और ये फिर कौन आपके शाह आलम द्वितीय मुगल साथ में मिलके अंग्रेज से लड़ रहे थे, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब आ जाइए 17 बक्सर, ये आगे की कहानी है, मतलब बैटल ऑफ बक्सर आएगा ना। ठीक है, आगे पानीपत 1761, तीन साल पहले की बात। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अब दुश्मन बक्सर में अंग्रेज है एक तरफ, ध्यान से देखिए, बक्सर में एक तरफ अंग्रेज है, ठीक है, दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय है, वही मुगल शासक, फिर आपका क्या कहते हैं सुजाजुद्दौला हो गए, ठीक है, और फिर आपके कौन आ गए, मतलब अंग्रेज आ गए और शाह आलम द्वितीय मुगल आ गए और ये सुजाजुद्दौला साहब, तो ये लोग बेसिकली मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर, अंग्रेज वहां पे एनिमी है, और बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एनिमी कौन है? मराठा है, और साथ में कौन हो गए फिर से इधर मतलब वही रोहिलाज एंड पश्तून एंड ऑल सारे लोग कहा, मतलब एक तरफ हो गए मराठाओं को हराने के लिए। ठीक है, So, इस बार ये जाके ना इनमें से, ठीक है ये कहानी समझ गए ना। तो सुजाजुद्दौला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लीनियज ऑफ दिस अवध किंगडम। ठीक है, बार ये बता दीजिए यार। ठीक है, बक्सर वाली कहानी तो हम देख ही चुके थे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन। भाग गए आप लोग, भाग रहे हैं क्या? ठीक है, देख तो लीजिए। तो ये एक बार जस्ट गिव मी अ लास्ट थम्स अप, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत का डिफरेंस, और बैटल ऑफ पानीपत बेसिकली आज हमारा मुद्दा था, पिछला मुद्दा बैटल ऑफ बक्सर था जो पिछली क्लास में हो चुका है। सो पानीपत में रटने, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, रटने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कौन किस साइड में रहेगा, वो आप सोच सकते हैं।
अगर आपको सिर्फ ये दिमाग में रहे कि मराठा मुगलों पर विजय चाहते थे, वो भारत की सत्ता चाहते थे, बाद में सब आप सोच लेंगे, ठीक है, बाद में सब आप सोच लेंगे। उन्होंने हमेशा अवध को साइडलाइन किया और इसलिए अवध किस में जाके मिल जाएगा, ठीक है, मुगलों में मिल जाएगा, फिर उधर से बाकी लोकल लोगों को भी लेगा, जिसमें से अफगंस और रोहिलाज का नाम आता है, और वहीं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो ओके 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 क्लियर सर, सर सुमित सर कहाँ, ठीक है, चलिए जाइए आप लोग जाइए, सुमित सर की क्लास शुरू होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अवध में अभी दो नाम, तीन नाम हो गए, दैट इज सफदरजंग हो गए, सादात अली और सुजाजुद्दौला, एक ब्रिटिश कादिर अंत में आएंगे, वाजिद अली शाह, दो तीन नाम और हैं जो हम अवध पार्ट टू अर्थात कल की क्लास में कर लेंगे। आज के लिए गाइस बस इतना ही, और वो मेरी बात याद रखिएगा, 31 मार्च तक अगर आप सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेते हैं, ठीक है, तो उसकी कारण आपको जो एक साल का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक्सटेंड होके 2020 की पीटी तक मिलेगा, और उसमें अगर आप मेरा कोड दैट इज AR101 यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। सो डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, बेनिफिशियल है, काफी यूजफुल है, चीजों का फायदा उठाइए, और मिलते हैं कल पहले साइंस वाली क्लास में, फिर हिस्ट्री वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइज टूडे, थैंक्स, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, और कोई डाउट वाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।